हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्र का तीसरा दिन। सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं दो दिनों की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, सो मैं इसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन आज ये नवरात्र का तीसरा दिन है और मैं तीसरे दिन अपनी पूजा करते हुए नवरात्र की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगे। कैसा लगेगा, जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अपनी पूजा करने। और पूजा करने से पहले जिस थाल में हम लोग दिया और जो बाती लगाते हैं और माँ का भोग मैं इसी थाली में रख के लगाती हूँ। और इसमें पहले मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना, ये सब बहुत शुभ माना जाता है। सो इसलिए मैं पहले स्वास्तिक बनाकर उस प्लेट में और थोड़े से अक्षत जो होते हैं उन्हें रख कर अब उसके बाद मैं इसमें माता के लिए जो भोग लगता है वो उनका और जो दिया जलता है वो मैं बाती तैयार कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बाती लगा रही हूँ। नवरात्र ऐसा होता ही है कि इसमें इतनी श्रद्धा होती है लोगों के मन में, लगता है कि दिन मतलब 9 दिन जो होता है वो कैसे बीत जाते हैं माता की सेवा में पता भी नहीं चलता। और बहुत अच्छा भी लगता है उनकी सेवा करना। माता रानी सबको अच्छी सी स्वास्थ्य और सबको भगवान माता अपनी दृष्टि छाए बनाए रखे, बस यही मेरी आप लोगों सबसे कामना है। माता पे आप लोग विश्वास रखिए, माता आपकी हर काम पूरी करेंगे। मुझे तो इन पे बहुत विश्वास है और भरोसा है और मैं बहुत मानती हूँ इन्हें। इसीलिए मैं ये वीडियो मैं सोची कि मैं आप लोग के साथ मुझे शेयर ज़रूर करना चाहिए। और सुबह की जैसे पूजा होती है वो मैं भी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद में नवरात्र में दुर्गा माता का पाठ करती हूँ, वो मैं भी आगे बताने वाली हूँ आपको। सो सुबह की मैं पहले पूजा कर रही हूँ। मंदिर की सफाई मैंने कर ली, बर्तन सब धुले हुए ही थे माता के मेरे। सुबह में मैं धोती हूँ सारे बर्तनों को। उसके बाद मंदिर की सफाई करने के बाद सुबह की जो रोज़ की जिससे पूजा होती है पहले वो पूजा हम लोग करते हैं। उसके बाद जो पाठ नवरात्र में लोग करते हैं, जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जो दुर्गा सप्तशती माता का जो पाठ होता है वो बहुत अच्छा पाठ होता है। ये पाठ करने से बहुत एक होता ना कि मन में बहुत शांति मिलती, बहुत सुकून सा मिलता है और बहुत आध्यात्मिकता की ओर लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है पूजा करना। अगर आप ऐसे जैसे बाकी दिनों में थोड़ी लेट पूजा लोग करते हैं तो लगता है कि लेट में पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन नवरात्र में अगर आप कितने भी देर के तक पूजा करते रहिए उसमें अच्छा ही लगता है। और बहुत एक लगता है कि मतलब मैं कुछ शब्दों में नहीं बता सकती कि कितना अच्छा लगता है माता जी का पूजा करना, उनका पाठ करना, उनकी भक्ति में लगे रहना। बहुत अच्छा लगता है उनकी पूजा पाठ करना। एक चमक सी रहती है लोगों में, एक एक कहते हैं ना कि एक एनर्जेटिक इंसान रहता है नवरात्र में 9 दिन बहुत। और हम लोग के यहाँ तो लोग फलाहार पे रहते हैं, मेरी माँ हो गई, मैं नहीं रहती हूँ, मैं सिर्फ जो नवरात्रि की जो पहले दिन होती है वो और जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन ही, बस यही दो दिन मैं फास्टिंग में रहती हूँ। बाकी दिन हम लोग सेंधा नमक जो होता है उसका खाना हम लोग खाते हैं। और माँ जो हैं वो 9 दिन फास्टिंग में रहती हैं, यानी कि वो नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने मंदिर को अच्छे से सजा लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और माता पे विश्वास आपको हमेशा रखना चाहिए, चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, माता पे हमेशा विश्वास लगा के आपको रखना चाहिए। और पाठ करना बहुत, अगर सच्चे दिल से अगर आप उनकी पूजा करोगे सच्चे दिल से, भले आपके पास कुछ भी नहीं हो, उनको भोग तक चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं हो, थोड़ी सी गुड़ ही जो गुड़ होती है वही उनको भोग लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे फल मेवे ही उन्हें चाहिए, नहीं कुछ है तो आप कुछ भी उनको भोग लगा दीजिए, बस श्रद्धा रहनी चाहिए मन में। श्रद्धा जो होती है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। माता जो होती हैं, जो भगवान लोग जो होते हैं, ईश्वर जो हमारे होते हैं, उसे भाव के भूखे होते हैं। उन्हें ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे ये जलाओ, इस चीज़ की दीपक जलाओ, उस चीज़ का भोग लगाओ, उन्हें ये सब किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं होता। आपने शबरी को देखा था ना, उन्होंने भगवान को जूठे बेर खिलाए थे, भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं थी, वो तो भगवान को मीठे फल खिलाने वाली थी। इसलिए मन में श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। देख रहे हैं आप लोग कि मैंने पूजा कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे सिर्फ पाठ करना बाकी है। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ नवरात्रों में, बहुत सारे लोग करते होंगे। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी बहुत सारा तरीका अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग इस पूरी इसमें 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ में, तो कुछ लोग 13 अध्याय एक दिन में ही कम्प्लीट कर लेते हैं, कुछ लोग 9 दिन में कम्प्लीट करते हैं, कुछ लोग
पूरे अध्याय को 3 बार पढ़ते हैं, यानी कि एक पूरे पूरी इस किताब को 3 दिन में 1 बार, तो इसे 9 दिन में 3 बार हो गया। तो इस तरीके से लोग कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैं पूरे 9 दिन में इस पूरे इस दुर्गा माता का जो भी ये अध्याय है, पाठ है, मैं इसे पूरे 9 दिनों में खत्म करती हूँ। तो अभी मेरा पूजा भगवान लोग की संपन्न हो चुकी है और मुझे अपना पाठ करना है, इसके बाद मैं करूँगी आरती भगवान की। तो देखिए ये है मेरा किताब, जो लोग पाठ करते हैं उनको तो पता ही होगा, और हमारे पता ही है कि आपको कि हमारी हिंदू सभ्यता में या फिर हम लोग यहाँ जहाँ पर दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ पर कितनी ज़्यादा मान्यता होती है। हम लोग पूरे 9 दिन उपवास में रहते हैं, अच्छे से पूरी धार्मिक मतलब धार्मिक अच्छे से होकर माता की आराधना पूजा हम लोग सब करते हैं, विश्वास होती है एक भगवान पे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। सो अब चलती हूँ मैं अपनी पाठ संपन्न करने, संपूर्ण करने अपने पाठ की, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव गणः पुष्प त्वमेव त्वमेव विद्याद्रुणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव। देवी त्वं भक्ति सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ हि कार्य सिद्धं उपाय ब्रूहि यत्नम् शृणु देव प्रवेक्षामि कलेशर्वे सर्वेष्ट साधना माया तवैत अश्नात वासुस्ती प्रकाशते। ओम अश्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्त्रोत मंत्रस्य नारायण विष्णु अनुष्टुम छं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पित्य सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बाला दाकृष मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृत हसी हि तीमस्य जन्तो स्वस्ते स्मिता मतिवती शुभा ददासी दलित दुख वैहारी का त्वदन्य सर्व पाप करनाय सदा दर्द चिंता सर्व मंगल मांगिले शिवि सर्वार्थ साधिके शरण क्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनान परितान परायणे सर्व शाते हरे देवी नारायणी। मेरा पाठ चल रहा है और इसमें मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं मुझे अपना पाठ संपूर्ण करने में। 2 घंटे नहीं, पूजा पाठ अगर शुरू से मैं जैसे रोज़ की पूजा हो गई ये सब करके फिर पाठ करने में फिर मंत्रों का जाप करना ये सब लेकर मुझे 1.5-2 घंटे तो ज़रूर ही लग जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इस बार, इस समय थोड़ा नवरात्र में समय लगता है पूजा करने में, लेकिन वो समय अच्छा लगता है पूजा करना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सुकून मिलता है मन में, और कितनी भी देर तक पूजा कर लो ऐसा नहीं लगता है कि थका हुआ बहुत ज़्यादा मन है हमने बहुत देर तक बैठ के पूजा किया, इस टाइप का फील ही नहीं होता है, अंदर से महसूस ही नहीं होता है। अगर इसके बाद भी करना हो पूजा तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, इस टाइप का अनुभव अंदर से आता है, लगता है कि उनके बस पूजा करते रहें करते रहें करते रहें, बस दिन रात बस उन्हीं की सेवा में हम लोग लगे रहें। बस कहते नहीं है कि एक माता जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे चीज़ लेकर आती हैं, लोग कहते हैं कि हम कैसे इतने देर तक बैठ के पूजा कर पाएंगे, लेकिन वो सब आपकी भक्ति पे निर्भर करता है। अगर आपके मन में श्रद्धा हो उनके प्रति तो कुछ भी आप कर सकते हैं, आप कितना भी बड़ा बड़ा पाठ कर सकते हैं, कितना भी देर तक बैठ के पूजा कर सकते हैं, और वो आपको कभी निराश भी नहीं करती हैं माता। अगर मन में श्रद्धा रखिएगा तो साथ भगवान भी देते हैं, इसलिए मन में हमेशा श्रद्धा रखिए, मत पाठ कीजिए, बस थोड़ी सी भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर विनती कर लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मन में श्रद्धा रखिए। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पाठ करने जा रही हूँ, तो मेरा पाठ संपूर्ण हो चुका है, अब मैं करूँगी इसके बाद माता की आरती। तो चलिए करते हैं माता की आरती। सो सॉरी, जो आरती का जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था वो गलती से वीडियो एडिटिंग के समय मुझसे वो डिलीट हो गया, तो आरती का जो मैंने लिया था वीडियो वो मैं आपको नहीं यहाँ पे शो करा सकती हूँ। सो सॉरी फ्रेंड्स। माता वैष्णो रानी, और ये वीडियो आज ही आप लोग के पास पहुँचेगा, क्योंकि ये वीडियो को आज ही मैं पब्लिश करने वाली हूँ, क्योंकि अगर नवरात्र का 3रे दिन का मैंने इस वीडियो को शूट किया है और मैं अगर 4थे दिन 5वें दिन अगर मैं इसे पब्लिश करती हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है उसका। सो आज नवरात्र का 3रा दिन है और मैं आज ही वीडियो को पब्लिश करने वाली हूँ, बस इवनिंग के टाइम पे 4-5 बजे तक आपको ये अप्रोक्स, नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क सही रहता है तो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, और अगर बैड नेटवर्क हो तो थोड़ा समय लग जाता है। सो कोई बात नहीं, आज आपको वीडियो ये पहुँच जाएगा आपके पास,
और प्लीज़ आप लोग इसे विजिट कीजिएगा, देखिएगा, वॉच पूरा कीजिएगा वीडियो को, और कैसा लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग कुछ पूछना भी चाहते हो तो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ, पूजा हमारी संपूर्ण हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे फलाहार बना रही हूँ। सो फलाहार के लिए मैंने यहाँ पे मूँगफली को मैंने फ्राई कर लिया है, और अब मैं काजू फ्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैं मखाने को घी में ही फ्राई करूँगी, क्योंकि जो लोग सिर्फ फलाहार पे रहते हैं वो घी का सेवन करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं दिखा दी, मूँगफली को मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं काजू फ्राई कर रही हूँ, इसके बाद मखाने को फ्राई करूँगी, और चाय के साथ ये हमारा फलाहार होगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैं सिर्फ एकम के दिन और अष्टमी के दिन ही फलाहार पे रहती हूँ, बाकी दिन मैं सीना नमक खाती हूँ। और जो मेरी माँ है सो वो 9 दिन फलाहार पे रहती है, तो ये फलाहार मैं उन्हीं के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उनकी भी पाठ पूजा हो चुकी है और हो गई है, तो उनके लिए ये पूरा फलाहार उनके लिए रेडी हो रहा है। सो काजू भी मेरा फ्राई हो चुका है, और ये मखाने को फ्राई कर रही हूँ मैं, थोड़ा घी में मखाने को फ्राई कर लेने के बाद बहुत अच्छा एक स्वाद देता है, कुरकुरा हो जाता है और फ़ायदेमंद भी होता है। और जो मखाना होता है ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का बहुत बड़ा रिच सोर्स होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन जब शरीर में होगी तो एनर्जी तो देगी ही। सो फलाहार में मखाने को ज़रूर सेवन करना चाहिए। और काजू भी होता है, इसमें भी फाइबर होता है। बादाम आपको फर्स्ट खाना चाहिए, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में ही खानी चाहिए, और फर्स्ट में सबसे पहले बादाम का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि बादाम जो होता है वो अगर आप पूजा पाठ करने के बाद लेकर खाओगे तो थोड़ा पेट में गंभीर हो जाता है और वो एसिडिटी की प्रॉब्लम बनने लगती है। सो मखाने के साथ वैसा कुछ नहीं होता, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है और प्रोटीन भी इसमें बहुत होता है, सो इससे हमारे पेट भी ठीक रहते हैं और एसिडिटी भी नहीं होती। और यहाँ पर मैंने चाय भी बना लिया है 2 कप, और माँ को मैं चाय दूंगी और मैं पीऊँगी चाय। सो फलाहार तो रेडी हो चुका है, अब मिलती हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। कल मैं आपके साथ नवरात्र के चौथे दिन के साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।